हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी। मैं हूँ सविता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बाल विकास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर टीचिंग एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अब जितनी भी टीचिंग परीक्षाएं आ रही हैं या फिर आने वाली हैं, उन सभी में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं आज के प्रश्न। यहाँ आप सभी अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज़ है, बाल विकास से संबंधित है। तो देखिए आज के प्रश्न और देखिए कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आज का पहला प्रश्न, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डैश है। ऑप्शन देखिए, अभिप्रेरण, समायोजन, सीखना या फिर चिंतन। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को ही सीखना माना गया है। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये राइट है। अगला देखिए, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन जो है आपको निगेटिव में बताना है। ऑप्शन देखिए, सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए या फिर इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। जैसा कि आपसे निगेटिव पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन सी, उसे दंडित करना चाहिए, ये ऑप्शन निगेटिव में आ जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की जो गति होती है वो बहुत तेज़ी से होती है, यानी कि तीव्र होती है, और बाद में ये धीरे धीरे मंद होती जाती है, धीरे धीमे होती जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र, मिश्रित वक्र रेखा या फिर वक्र रेखा नहीं होती है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उसे उन्नतोदर वक्र कहेंगे। अगला देखिए, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान, प्रथम चरण निम्नांकित में से कौन सा है। ऑप्शन है उत्तेजना, आवृत्ति, सामान्यीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अनुबंधन की प्रक्रिया में जो पहला चरण होता है वहाँ पर उसे उत्तेजना कहते हैं। ऑप्शन ए राइट है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। ऑप्शन है उद्दीपन की स्थिति, आवश्यकता, एक और दो, एक और दो, दोनों। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उद्दीपन की स्थिति। अगला है, संवेग की उत्पत्ति डैश से होती है, आदतों से, मूल प्रवृत्तियों से, शारीरिक विकास से या फिर संप्रत्ययों के निर्माण से। यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। ऑप्शन बी सही है। अगला देखिए, अभिप्रेरण के लिए अक्सर डैश शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। कौन सा वो शब्द है इनमें से, संवेग, आवश्यकता, भावना या फिर प्रत्यक्षीकरण। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। अभिप्रेरणा के लिए जो दूसरा शब्द प्रयोग किया जाता है वो आवश्यकता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में या फिर इन सभी में। यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये राइट हो जाएगा। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन जो प्रभावी होता है वो इन तीनों में माना जाएगा। ऑप्शन डी राइट है। अगला है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो यहाँ पर जैसा कि ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा जो होता है वो नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला है, एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए है, अमीर छात्र अधिक अधिगम करता है, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, गरीब छात्र कम अधिगम करता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर पूछा गया है कि एक छात्र जो है उसके अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति, यानी कि वो अमीर है या फिर गरीब है, उसका कितना प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर उसका जो बच्चे का ऐसा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अमीर है गरीब है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि बच्चा कितना सीख रहा है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। स्किनर ने, हिगर्टी ने, साइमन सिगमंड फ्रॉयड ने या फिर थर्स्टन ने। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। काम की प्रवृत्ति पर सबसे ज़्यादा जिसने बल दिया था उनका नाम सिगमंड फ्रॉयड था। ऑप्शन सी राइट है। अगला देखिए, तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है। मुख्य नियम है, सहायक नियम है, गौण नियम है या फिर उपरोक्त सभी है।
यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तत्परता का नियम जो थॉर्नडाइक जी ने दिया था, ये एक मुख्य नियम में आता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, थॉर्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको दी जाती है? तत्परता को, अभ्यास को, काम प्रवृत्ति को या फिर प्रभाव को? यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। थॉर्नडाइक के अधिगम नियम में सबसे ज़्यादा जिसको प्राथमिकता दी जाती है वो अभ्यास है, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये सही है। अगला देखिए, अधिगम को ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? ऑप्शन है स्किनर द्वारा, हल द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा या फिर थर्स्टन के द्वारा? यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अधिगम को ठोस सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है? शिक्षकों के अनुकरण से, दोस्तों के अनुकरण से, माता पिता के या फिर उपरोक्त सभी? यहाँ पर जो तीनों दिए गए हैं इन सभी के अनुकरण से बच्चे को एक ज्ञान प्राप्त होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला है, अस्पष्टता के नियम में विचार कैसे होते हैं? आपको ये बताना है स्पष्ट, अस्पष्ट, सामान्य या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये सही है। अस्पष्टता के नियम में विचार स्पष्ट रूप से होते हैं, ऑप्शन ए सही है। अगला देखिए, सन 1879 में उन्ट ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया? जीवन वृत्त विधि, प्रयोगात्मक विधि, प्रश्नावली विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि? यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। उन्ट के द्वारा प्रयोगात्मक विधि का आरंभ किया गया था। अगला देखिए, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? प्रेरकों का समन, व्यवहार कुशलता, सभ्यता या फिर अधिगम? यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सभ्यता। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे सभ्यता कहते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से आदत होती है संवेदनात्मक क्रिया, मूल संवेदनात्मक क्रिया, पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति या फिर उपरोक्त सभी? यहाँ पर ऑप्शन सी सही माना जाएगा, पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति। अगला देखिए, ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेदनात्मक अधिगम क्या है? अधिगम के एक प्रकार हैं, अधिगम की अवस्था है, अधिगम की प्रकृति है या फिर अधिगम स्थानांतरण है? यहाँ पर ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा। ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेदनात्मक अधिगम, ये तीनों अधिगम के एक प्रकार हैं, ऑप्शन ए सही है। अगला देखिए, बीएफ स्किनर का टेंटोफोन किसका आकलन करता है? मानसिक स्तर का, व्यक्तित्व का, अधिगम स्थानांतरण का या फिर उपरोक्त सभी? यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। वीएफ स्किनर का जो टेंटोफोन था ये व्यक्तित्व का आकलन करता है। अगला देखिए, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एन ए क्राउडर किस प्रकार के अनुदेशन के जनक माने जाते हैं? साघात्मक अभिक्रमिक अनुदेशन के, अनुकूलित अभिक्रमित अनुदेशन के, श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन के या फिर उपरोक्त सभी के? यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जो थे एन ए क्राउडर, ये एक प्रकार के शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन के जनक माने जाते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए, साइमन बिने के अनुसार बुद्धि क्या है? पहचानने तथा सुनने की एक शक्ति है, केवल सुनने की शक्ति है, इनमें पहचानने की शक्ति है केवल या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। साइमन बिने के अनुसार जो बुद्धि है वो एक पहचानने और सुनने की शक्ति मानी जाती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला देखिए, किस प्रकार के एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? आपको ये बताना है। ऑप्शन देखिए, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा हल करते समय सहायता करना, पाठ्यपुस्तक में समस्याओं को उत्तर देखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना, सभी समस्याओं को सही हल प्रदान करना जो छात्रों के सामने खड़ी है, समस्याएं हल करने के लिए पुरस्कार देना? यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का आधार क्या हो सकता है? शिक्षण के कई तरीके, आकलन के कई तरीके, बहु आकलन या फिर एक और दो, ये दोनों? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। शिक्षण के कई तरीके और आकलन के कई तरीके, ये छात्रों के बीच व्यक्तिगत भेद शामिल करने का आधार हो सकते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, डैश व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कौन सा है? अनुवांशिकता, पर्यावरण, अनुवांशिकता और पर्यावरण का मिश्रण या फिर परीक्षाओं की संख्या?
यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अनुवांशिकता और पर्यावरण का मिश्रण जो होता है वो व्यक्तित्व के विकास में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है, ऑप्शन सी राइट है। अगला देखिए, बाह्य अभिप्रेरणा में शामिल है, इनमें से आपको बताना है, आंसर आपको यहाँ से करना है, प्रशंसा और दोषारोपण, प्रतिस्पर्धा, पुरस्कार और दंड, परिणामों का ज्ञान। यहाँ पर ऑप्शन डी, यानी कि ये चारों जो हैं ये बाह्य अभिप्रेरणा में शामिल होते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, रेवन का प्रगतिशील साचा RPM परीक्षण डैश परीक्षण का एक उदाहरण माना जाता है, इनमें से कौन सा है, मौखिक बुद्धि लब्धोक, संस्कृति बुद्धि लब्धोक, या फिर गैर समूह बुद्धि लब्धोक, या फिर व्यक्तित्व। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। अगला है, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य माना जाता है, ऑप्शन है, सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है, सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है, सीखना कौशलों के संचय के समान है, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सीखने को सामाजिक क्रियाएं जो हैं वो सुविधाएं देती हैं, ऑप्शन डी राइट है। अगला देखिए, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है, संवाद, पुरस्कार, व्याख्यान, या फिर निर्देशन। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संवाद। तो फ्रेंड, ये थे आज के प्रश्न। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही लाजवाब प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।